हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3, जो कि है ग्लाइकोसाइड्स फार्माकोग्नोसिस चैप्टर नंबर 4 का। ओके, तो देखते हैं क्या है ग्लाइकोसाइड्स। तो समझते हैं ग्लाइकोसाइड्स को क्या कह रहा है। इन केमिस्ट्री अ ग्लाइकोसाइड इज अ मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली बात है, सब कुछ केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है यहाँ पर। तो बात कह रहा है केमिस्ट्री के अंदर ग्लाइकोसाइड एक मॉलिक्यूल होता है। अगेन नाम है किसी का, जैसे अल्कोलाइड, जैसे टर्पिनॉइड, वैसे ग्लाइकोसाइड भी किसी का नाम है। किसको दे दिया नाम ग्लाइकोसाइड? तो एक मॉलिक्यूल इन विच सुगर इज बाउंड टू अनदर फंक्शनल ग्रुप वाया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जहां पर एक सुगर क्या होता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट। सुगर क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? सुगर है। एक सुगर मॉलिक्यूल किसी दूसरे से जुड़ा होगा, किसके थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, आओ समझने की कोशिश करते हैं कि कहां मौजूद होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह लो, लिंकेज मतलब जोड़, एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है ना। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। दैट जॉइंस अ कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुगर, जो किसको जोड़ता है? सुगर को और अनदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट। अब जो दूसरे ग्रुप को जोड़ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बोल देते हैं। समझते हैं, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है ना। ये ग्लूकोज, इसको मोनोसैकेराइड कह लो या इसको क्या कह लो, सुगर बोल लो। एक सुगर ये है, एक सुगर ये है। अब यहां से होगा क्या, एक OH ये है, एक OH ये है, एक OH ये है। यहां से OH, ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये H और ये OH, ये मिलकर के क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा और ये जाकर के बॉन्ड यहां पर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर हो जाएगा और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। यही जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है? ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। यहां पर दोनों के दोनों क्या थे? सुगर थे। ऐसा भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल तो पक्का सुगर होगा, एक मॉलिक्यूल तो पक्का क्या होने वाला है? सुगर होगा। ठीक, जैसे यहां देखते हैं हम लोग, ये मॉलिक्यूल तो सुगर है बट ये मॉलिक्यूल सुगर नहीं है। ये मेरे पास क्या? इथेनॉल है, है ना। ये जॉइंट का मतलब सी हो गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ CH2, CH3 और OH। ये क्या है? इथेनॉल है और ये सुगर मॉलिक्यूल है। और ये जाके यहाँ जुड़ा तो ये क्या बना? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगेन यहाँ पर क्या होगा? ये H और ये जाकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये डायरेक्ट जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? कैसे कहलाएगा ये बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, अब क्या कह रहा है ये? ग्लाइकोसाइड्स प्ले न्यूमरस इंपॉर्टेंट रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो तो करता है, ये बहुत ज्यादा रोल रहता है इसका। मैनी प्लांट स्टोर केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स। कई सारे प्लांट ग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। अब अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें फार्माकोग्नोसिस के हिसाब से, क्या डेफिनेशन आएगी तुम्हारे पास, है ना। ये भी सही है, ये बात हमने केमिस्ट्री के हिसाब से कर ली, केमिस्ट्री में ग्लाइकोसाइड ऐसा होता है। बट फार्माकोग्नोसिस, क्योंकि ये जो डाइसैकेराइड हुआ यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे उनको तो हमें पढ़ना नहीं है, तो हमको किस तरीके से समझना है ग्लाइकोसाइड्स को, जो कि हमको पढ़ना है, जो कार्बोहाइड्रेट से अलग होंगे। ठीक है, तो कह रहा है ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड, वो कंपाउंड है विच अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब ये टूटेंगे गिव राइज टू वन और मोर सुगर। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल जो था वापस से ब्रेक कर जाए, हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेक कर रहा वापस से, तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि किसी ग्लाइकोसाइड को अगर तुम हाइड्रोलाइज करो, हाइड्रोलाइज का मतलब किसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कर दो। गिव राइज टू वन और मोर सुगर, एक या एक से ज्यादा सुगर मॉलिक्यूल देगा वो। उस सुगर मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया गया? ग्लाइकॉन कहा गया। क्या कहा गया? ग्लाइकॉन। एंड अ कंपाउंड विच इज नॉट अ सुगर, और एक कंपाउंड और देगा जो सुगर नहीं होगा, उसको क्या नाम दिया गया? एक ग्लाइकॉन बोला गया। क्लियर है? अब द सुगर ग्रुप नोन एज द ग्लाइकॉन एंड द नॉन सुगर ग्रुप एज
ए ग्लाइकॉन और जेनिन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। क्लियर है? तो अलग से भी मैंने मेंशन किया है, जो सुगर पार्ट जब ग्लाइकोसाइड को तोड़ दोगे, हाइड्रोलाइज करा दोगे, तो उसके अंदर जो सुगर वाला पार्ट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकॉन। और जो नॉन सुगर वाला पार्ट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए ग्लाइकॉन कहेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो थोड़ा सा लर्निंग है, थोड़ा सा याद ज्यादा करना पड़ेगा इसमें। इन अ ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड आर सुगर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड टू, ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड में जो सुगर मॉलिक्यूल होता है लिंक्ड टू C1। C1 से क्या मतलब है यहां पर, ये देखो अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3 है ना, एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहां से काउंटिंग करूं तो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, ठीक है ना। तो यानी कि ये C1 से थ्रू ऑक्सीजन, जो C1 कार्बन है वो किससे जुड़ेगा, डायरेक्ट O से जुड़ जाएगा, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड। अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ता है C1 कार्बन तो N ग्लाइकोसाइड, सल्फर से जुड़ेगा तो S ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। मॉइटी मतलब एटम कह लो या स्पीसीज कह लो या कोई मॉलिक्यूल कह लो, मॉइटी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोसाइडिक कंपाउंड होता है जिसमें सुगर मॉलिक्यूल लिंक्ड करता है C1 से थ्रू ऑक्सीजन से कर सकता है, नाइट्रोजन से कर सकता है या सल्फर से कर सकता है, उसी हिसाब से उसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है, ओ ग्लाइकोसाइड या एन ग्लाइकोसाइड या एस ग्लाइकोसाइड। क्लियर है? ओके, दे आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होते हैं ये, और एमोर्फस या एमोर्फस भी हो सकते हैं, डेट आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली बात है अगर वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है इसका मतलब ये कैसे होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं ना, लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर, पोलर में डिजॉल्व होगा, याद है कुछ थोड़ी बहुत बातें, खैर कोई बात नहीं, पानी पोलर होता है ये बात पता होगा, ठीक है। केमिकली ग्लाइकोसाइड्स आर कंसीडर्ड एज सुगर ईथर, सुगर ईथर क्यों कहा गया, ये देखो ये क्या है ना, ये सी ओ और आर, ईथर पता ना, आर ओ आर फंक्शनल ग्रुप जो होता है, तो ये अलग ग्रुप, ये और ये अलग ग्रुप, तो इसे क्या कहा गया, बात समझ में आ रही है, क्यों उसे कहा गया है सुगर ईथर। इन प्योर स्टेट ग्लाइकोसाइड्स मोस्टली लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये हम लोगों ने शायद थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है, प्लेन पोलराइज लाइट को मोड़ देना, ठीक है, या सिंपल समझो एक प्रकार की लाइट होती है, ठीक है, अगर उस लाइट को, ये सोल्यूशन है इसके अंदर अगर भरा हुआ है, यहाँ से अगर कोई मान लो लाइट आ रही है, इस लाइट को या तो लेफ्ट रोट घुमा देगा या सोल्यूशन या राइट घुमा देगा, लेफ्ट घुमाता है तो लिवर रोटेटरी, राइट घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, ठीक है। कलरलेस होते हैं और बिटर होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे अभी, सिर्फ इतना समझो कि लाइट को डाइवर्ट करने की ताकत होती है इनके अंदर। क्लियर है? चले आगे। ओके, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन क्या होता है, ग्लाइकॉन सुगर पार्ट, ए ग्लाइकॉन नॉन सुगर पार्ट, तो कह रहा है इसको हमने क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है, तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें, इफ द ग्लाइकॉन ग्रुप इज ऑफ अ ग्लाइकोसाइड इज ग्लूकोज, अगर जो ग्लाइकॉन ग्रुप है ग्लूकोज होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोसाइड, अगर ग्लाइकॉन ग्रुप फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसाइड कहते हैं, अगर ग्लूक्यूरोनिक एसिड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूक्यूरोनाइड से पुकारते हैं उसको हम लोग, बात समझ में आ रहा है, ग्लाइकॉन के हिसाब से हम ग्लूकोसाइड, फ्रक्टोसाइड और ग्लूक्यूरोनाइड के नाम से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हमने देख ही लिया है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है डायरेक्ट तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो एन ग्लाइकोसाइड, सल्फर से जुड़ा होगा तो एस ग्लाइकोसाइड, तो साफ साफ लिखा हुआ है सुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद फिनॉल और OH ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकॉन, सुगर मॉलिक्यूल जो OH ग्रुप से जुड़ा होता है तो ये क्या बन जाएगा, ओ ग्लाइकोसाइड, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रखा है कार्डिक ग्लाइकोसाइड, एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक सेनोसाइड्स। क्लियर है? एन ग्लाइकोसाइड सुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद एन ऑफ द NH, यानी कि अमीनो ग्रुप का जो N होता है उससे कंबाइन करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स, कहां पाए जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियस के अंदर, याद है जो हमारा DNA बनता है न्यूक्लियोसाइड से बनता है। ओके, एस ग्लाइकोसाइड सुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद एस थायोल, जो थायोल का होता है ना, जैसे OH होता है वैसे SH होता है, जैसे OH का अल्कोहल कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, थायोल, याद आ रहा है।
SH ऑफ ए ग्लाइकॉन फॉर एग्जाम्पल सिनग्रीन। ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर, ठीक है ना। N से जुड़ेगा, S से जुड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट C से जुड़ जाए। तो उसमें से C, अगर डायरेक्ट C से जुड़ रहा है, इसका मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी उसके अंदर क्या है, C मॉलिक्यूल मौजूद है, O, N और S मौजूद नहीं है। तो ये कौन कौन आएंगे इसके अंदर, एंथाकिनोन लाइक एलोइन एंड फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स एटसेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर बच्चे फिर कहूँगा मैं एक बार, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एन एस क्या होते हैं, ये लिखना आना चाहिए। इनके एग्जाम्पल एक बार को याद ना हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना एग्जाम्पल याद करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर एग्जाम्पल एक बार को याद नहीं हो रहे हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हमें इनका मीनिंग पक्के से पता होना चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में उसे लिख पाएं। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन, ए ग्लाइकॉन मतलब वो पार्ट जो सुगर नहीं है, है ना। जैसे कि एंथाक्रोन ग्लाइकोसाइड में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल सेना एलॉय रुबब आ जाएगा, स्टीरॉल, ठीक है। क्लास एंथाक्रोन में आ जाएगा स्टीरॉल, और कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटेलिस थिवेटिया स्क्यूल आ जाएगा। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में डायोसेरा लिक्योराइस और जिनसेंग आ जाएंगे, ठीक है ना। और साइनोजेनेटिक एंड साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर बिटर आलमोंड, वाइल्ड चेरी, बार्क, ये सब आ जाएंगे। तो किस किस के अंदर ये पाए जाएंगे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन। कौन सी क्लास है, एंथ्राकिनोन है, स्टीरॉल है कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, साइनोजेनेटिक है, देन थायोसाइनाइट है, कौन सी क्लास है, और ये उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सारे याद नहीं होंगे तो फिर कह रहा हूँ कम से कम एक एक दो दो तीन तीन याद कर लेने हैं। क्लासिफिकेशन अगर ये याद ना हो छोड़ देना, एटलीस्ट ये पक्के से पढ़ के करके जाना, है ना। ऊपर नीचे वाले याद ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसको तो पक्के से करोगे। क्लियर? एल्डिहाइडिक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, इसमें एल्डिहाइड जैसे फ्लेवोन जुड़ा होगा, तो इस तरीके से कौन सा कंपाउंड जुड़ा हुआ है एक ग्लाइकॉन के रूप में, उसके हिसाब से यहां पर क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है। क्लियर है? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट, दो काफी इंपॉर्टेंट है, एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड और एक सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दी मैंने यहां पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों थोड़े से एडिशनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका थोड़ी इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए। तो देखो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, सेपो लैटिन नेम फॉर सोप, सेपोनिन सोप से बना हुआ है। तो जो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं, क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म परसिस्टेंट फ्रोथ, जो झाग, फ्रोथ मतलब झाग होता है जो लगातार झाग बनाता रहेगा। अच्छा झाग कब बनाएगा, व्हेन शेकन विद वाटर इवन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, पानी के साथ उसको हिला दो तो उसमें एक झाग बन जाएगा और बना रहेगा वो, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ देम, फॉर्म परसिस्टेंट फ्रोथ विद वाटर, वाटर के साथ झाग बना लेता है, यूज एज डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल होता है, कॉज हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी इफ रीच द ब्लड, अगर ये ब्लड में पहुंच जाए तो रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देता है। क्यों, रेड ब्लड सेल के अंदर घुस जाएगा, रेड ब्लड सेल फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस, रप्चर कर जाता है, वो फूट जाता है, हीमोलिसिस, है ना। ओनली स्मॉल पार्ट एब्जॉर्ब व्हेन टेकन ओरली, अगर हम ओरली लेते हैं तो काफी सारा जो गट के द्वारा ये बर्बाद कर दिया जाता है, थोड़ा सा पार्ट हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, इसीलिए इंजेक्शन थ्रू लिया जाता है। ये इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स, दूसरे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, फॉर्म प्रेसिपिटेट विद बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं होता, वैसे तो बहुत रेयर है कि सेपोनिन के बारे में अलग से पूछेगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक जनरल क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई ग्लाइकोसाइड के बारे में बताएं, तो एक तरफ से राम कहानी लिखना स्टार्ट कर देना, क्या होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। आगे आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक यानी कि ऐसे ग्लाइकोसाइड जिसका हार्ट, हमारे हार्ट, हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दीज आर स्टीरोइडल ग्लाइकोसाइड्स, कैसे ग्लाइकोसाइड है, स्टीरोइडल ग्लाइकोसाइड है, एंड सो हाईली स्पेसिफिक एंड पावरफुल एक्शन अपॉन द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, खास करके स्पेसिफिकली बोल दिया है, खासकर कार्डियक मसल पे ही अपना असर दिखाता है ये, और पावरफुल एक्शन होता है इसका, ठीक है। द सुगर पार्ट इज अटैच एट कार्बन थ्री, यहां पर जो सुगर पार्ट होता है वो कार्बन थर्ड पे अटैच होता है ऑफ द स्टीरॉयडल न्यूक्लियस। क्लियर है? द स्टीरॉयड ए ग्लाइकॉन आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप से होते हैं, कार्डिनोलाइड्स और ब्यूफिडिनोलाइड्स। अब ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो यहां पे क्योंकि ब्रीफ आउटलाइनिंग है तो थोड़ी सी हमने डिस्कस कर लिया यहां पर कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, और ये फर्दर दो टाइप के कौन कौन से हैं, कार्डिनोलाइड्स और
बिफिडिनोलाइट्स, क्योंकि इनका कई बार जिक्र सुन लिया होगा तुम लोगों ने पढ़ते पढ़ते कि कार्डिनोलाइट्स क्या हैं, बिफिडिनोलाइट्स क्या हैं। अच्छा, कार्डिक लाइकोसाइट होते हैं, ठीक है, कार्डिक लाइकोसाइट्स हैं जो कि हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। तो माइंड में थोड़ी सी कहानी चलनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। सैपोनिन, सैपोनिन ऐसा सोप जैसा होता है जो झाग बना लेता है। तो ये बातें कुछ दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये कोर्स में नहीं अपने, बट देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या रहा है। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इन प्लांट, प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है। कन्वर्टिंग टॉक्सिक मटेरियल इनटू नॉन और लेस टॉक्सिक, प्लांट्स के जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक में, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सुगर रिजर्वायर है ना, सुगर अपने पास काफी सारे रखता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी प्लांट को, तो एनर्जी देगा। स्टोरिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज फिनॉल, जो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है फिनॉल, उसको स्टोर कर लेगा ये। सम ग्लाइकोसाइड्स हैव एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि प्लांट्स को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड डिजीज, ठीक है। रेगुलेशन फॉर सर्टन फंक्शंस ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ के फंक्शंस होते हैं उनको भी क्या करता है ये, रेगुलेट करते हैं। सम हैव ब्यूटीफुल कलर्स, पॉलिनेशन प्रोसेस, कुछ बड़े ही अच्छे कलर होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर, ये कई बार फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन समझते हो ना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है ना। लाइक अल्कलॉइड्स मैनी प्लांट्स ग्लाइकोसाइड्स पजेस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एग्जाम्पल द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड मेडिसिनली, यानी कि लाइक अल्कलॉइड्स मैनी प्लांट, जो प्लांट ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके पास फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो सारे हमारे बॉडी पर असर डालते हैं, ऐसी एक्टिविटी भी इनके अंदर पाई जाती है। तो फिलहाल तो हम लोग फंक्शन इन प्लांट की बात कर रहे थे, तो इस पॉइंट को चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऑकरेंस, ऑकरेंस यानी कि किस किस फैमिली में पाई जाती है, तो बहुत सारी फैमिली के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तुम लोग चार पांच याद कर लोगे, देखो ये फैमिली लिखी हुई है आगे, ये उसके अंदर की प्लांट्स के नाम दे रखे हैं कि किस किस प्लांट्स के अंदर हैं। तो ये प्लांट्स के नाम याद रख लेना दो चार छः, या फैमिली याद रख लेना, या स्क्रोफुलरेसी डिटेलिस परप्यूरिया एग्जाम्पल हो गया उसका, एपोसाइनेसी नेरियम ओलियंडर हो गया, लिलियेसी अर्जीनिया इंडिका हो गया, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार पाँच, पांच याद कर लोगे काफ़ी है, ठीक है, जो आसान लगे पढ़ सारे लेने के बारी। कौन कौन से हैं, डायोसरेसी, रोजियेसी, अब किसी को क्रूसीफेरी याद करना आसान है, ब्रैसिका पढ़ रहे होगे बचपन से, बचपन से मतलब 9-10 दिन का जिक्र होना स्टार्ट हो जाता है। देन है एकेंथियेसी, ठीक है ना, अम्बेलीफेरी पढ़ चुके हो ये, रूटेसी, पॉलीगेनेसी, मेरिटेसी, तो ये यूकलिप्टस आ गया। तो जो शब्द तुम्हें आसान लगे, ठीक है ना, जो शब्द तुम्हें अम्मी, ठीक है, विस्नागा, तो जो शब्द तुमको आसान लगे कि अरे यार ये तो मिलते जुलता शब्द मिल गया, याद रखना आसान रहेगा। एलोवेरा आ गया, देखो है ना, किसके अंदर है, लिलियेसी के अंदर है। तो जो शब्द तुम्हें आसान लगे वो चार पांच पकड़ के याद कर लेना, ये नहीं कि एक तरफ से बस ऊपर के पांच पढ़ ले, नहीं, सारे देखो, कोई शब्द तुम्हारे जाने पहचाने हैं, पढ़े लिखे हैं शब्द, मतलब कुछ फैमिली जो जाने पहचानी होंगी उनको याद कर लेना है, बाकी छोड़ देना। क्लियर है, मैंने कहा ना इसमें थोड़ा सा लर्निंग ज़्यादा है, बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। क्लियर है, चलें आगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है ये, तो हमको पता है लगभग, देखो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन याद करो, लगभग हर जगह होता है, लीफ, लीफ सीड है ना, बल्ब, टोड की स्किन में ही पाया जा सकता है, ठीक है, नट में भी हो सकता है। तो लीफ सीड नट, लीफ सीड नट रूट, ये चार पांच याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। और अगर प्लांट का भी नाम याद रख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई जरूरत वाली बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्लांट्स में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑकरेंस हो गया, ये दो ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कुछ नहीं है, तो पांच छह प्लांट की फैमिली याद कर लेना, ठीक है। देखो जब कुछ नहीं आता है तो कुछ तो लिखोगे, आठ दस फैमिली जो याद है लिख दो, देखा जाएगा किसी और की है तब भी लिख दो, लेकिन ये देखो मैं वो तरीका बता रहा हूँ, मरते क्या ना करते, ये नहीं कि हाँ सर ने तो बोल दिया लिख दो, तो हमने तो सर आपके कहने से लिख दिया, ये काम मत कर देना, फिर बाद में बोलो कि सर आपने तो कहा था, मैं तब की बात बता रहा हूँ अगर भूल गए हो, अगर जैसे मैंने बताया 8-10 बीमारियां याद कर लो, वैसी 6-7 फैमिली याद कर लो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मरते क्या ना करते, तो उसमें कुछ लिखने के लिए रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस जनरल हो जाते हैं, तो उनके आंसरिंग भी जनरल हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलो आगे आते हैं, आइसोलेशन। अब देखो बच्चों, इसका आइसोलेशन का जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा इसमें क्या है, चीज़ें होती हैं,
आइसोलेशन में क्या रहता है, कुछ बातें यहाँ समझ लेते हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं थोड़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना बहुत सारी हैं, इसकी वजह से और इसके अंदर बहुत सारे टाइप के ग्लाइकोसाइड्स बहुत सारे टाइप के हैं ना, क्योंकि शुगर मॉइटी अलग होती है, कोई एन ग्लाइकोसाइड है, कोई ओ ग्लाइकोसाइड है, उसमें फिर एंथ्राक्विनोन है, मतलब तमाम बहुत सारे हैं। तो कोई हम एक खास स्पेसिफिक कोई जनरल मेथड नहीं कह सकते हैं, हर किसी के लिए एक अलग मेथड आएगा, ठीक है। तो चाहो तो इस लाइन को लिखना है मत लिखना है, मैंने समझाना था तो मैंने ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि वाइड रेंज होती है इसकी, देयरफॉर क्या है यहाँ पर, नो कॉमन जनरल मेथड फॉर देयर आइसोलेशन इज रिकमेंडेड, कोई भी जनरल मेथड रिकमेंड नहीं किया जाता है। हमें क्या चीज निकालनी है उसके हिसाब से हम वाला मेथड फिर अप्लाई करते हैं। नाउ वाटर मिथेनॉल, वाटर इथेनॉल एंड इथेनॉल आर द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के एक्सट्रैक्शन में ये सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिकॉशन क्या रहता है, जैसे अभी हमने बताया था कई सारे ग्लाइकोसाइड्स जो हैं इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे तो केमिकल उसका जो नेचर हो सकता है, कई बार की अगर हम लोग क्रश कर रहे हैं उसे या पीट पीट के निकाल रहे हैं या क्रश करने के बाद उसे डायल्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ में, उसके अंदर के अंदर मौजूद एंजाइम्स क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हमारा केमिकल जो है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिकॉशन बिफोर एक्सट्रैक्शन डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करना होता है जिससे कि जो हम ग्लाइकोसाइड चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है ना। अब जो चीज़ एक्टिवेट हो गई है फिर तो बेकार ही हो गई है, फिर वो क्या करेगी, काम नहीं करेगी, या फिर वो केमिकल कन्वर्ट हो चुका किसी चीज में, तो जब तक एक्सट्रैक्ट करेंगे पूरा बेकार हो चुका होगा। तो क्या कर रहा है, ड्राइंग फॉर सुखालो से 15 से 30 मिनट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉलोड बाय स्लो ड्राइंग एट लो टेम्परेचर, फिर उसे हल्के टेम्परेचर पर सुखाओ। डिपिंग द फ्रेश मटेरियल इनटू बॉइलिंग वाटर, जो फ्रेश मटेरियल होता है ताजा ताजा उसे बॉइलिंग वाटर में डिप कर दो और बॉइलिंग अल्कोहल में फॉर 10 से 20 मिनट, एक तरीका ये रहा एक तरीका ये रहा। देन बॉइलिंग द फ्रेश प्लांट मटेरियल विद एसीटोन, या फ्रेश प्लांट मटेरियल को एसीटोन में बॉइल कर लो। फ्रीज ड्राइंग ऑफ द प्लांट मटेरियल बिफोर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, फ्रीज करके सुखा लो उसे, क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्शन से पहले, जिसको कि लायोफिलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ठंडा करके सुखा लेना, ठंडा करके सुखा लेना। ये बात समझ में आ रही है, ठंडा करके सुखा लेना। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यहां से एक बात समझ में आई, ठंडा करके सुखा लेना, ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। मेरा कहना ये है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर तुमने देखा होगा अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो, जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर है, -60 डिग्री टेम्परेचर है, -25 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पर लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं, धूप तो निकल नहीं रही है, महीनों धूप नहीं निकल रही है, कपड़ा कैसे सूखता है, ठीक है। अच्छा वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट करना कि वहाँ पे लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं, ठीक है। तो ये वही है, फ्रीज और ड्राइंग, ठीक है, ठंडा जमा करके सुखा देना, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको कमेंट करना, जो जो कमेंट करेगा मैं उसको आंसर दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें इसका आंसर दूंगा फिर मैं। चलो आगे आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट कैसे करना था, प्लांट मटेरियल इज मैसरेटेड, अभी मैसरेटेड वर्ड पता है तुमको क्या होता है, विद वाटर एंड देन ट्रीटेड विद लीड एसीटेट, फिर लीड एसीटेट के साथ उसे ट्रीट करेंगे टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एंड टैनिंस, प्रोटीन और टैनिन को हटाने के लिए। तो यहां पे तुम लोग क्या कर लोगे, क्या लिख दोगे, मैसरेशन, ठीक है, फिर लीड एसीटेट, लीड एसीटेट। तो मैंने क्या कहा, लकीर का फकीर नहीं बनना है, चीजों को छोटा करके अपने दिमाग में सेट करने के लिए लिखना है इसको, ठीक है। इट इज देन फिल्टर, छान लेंगे, लीड इज रिमूव्ड एज लीड सल्फाइड, लीड लीड सल्फाइड के रूप में मिल करके क्या होती है, हट जाती है, ठीक है, और बाय अ करंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कराया जाता है तो वो सल्फर के साथ मिलकर के लीड सल्फाइड मिलती है और वो बाहर हो जाती है, क्लियर है। द सोल्यूशन इज देन शेकन, उस सोल्यूशन को बाद में शेक किया जाएगा, हिलाया जाएगा विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ या पानी के साथ, इन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, जो हमारा अपरेटस होता है सॉक्सलेट वाला, उसमें इसको क्या जाएगा, हिलाया जाएगा। इन द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट होगा ऑब्टेन होगा, जो एक्सट्रैक्ट अब हमें यहां से मिलेगा, द एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग इट टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 65 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करेंगे जिससे कि उसके अंदर का एंजाइम खत्म हो जाए।
देन द एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेट. अब उस एक्सट्रैक्ट को जो यहाँ से निकल आया अब तक हमारा एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, ये वही प्रोसेस चल रही है एक्सट्रैक्शन वाली, वो जनरल वहां से उठा सकते हो जो सिखा चुका हूं मैं, ठीक है ना. उस एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट करेंगे यानी कि उसके अंदर का सॉल्वेंट सारा उड़ा देंगे टू गेट ग्लाइकोसाइड, जिससे कि हमें ग्लाइकोसाइड मिल सके, विच इज देन प्यूरिफाइड बाय एम्प्लॉइंग यूजुअल मेथड. फिर हम उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं. यहां से हमें क्या मिल गया, ग्लाइकोसाइड मिल गया, है ना, सारा सॉल्वेंट उड़ा दिया. उसे प्यूरिफाई करना है बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. द फिल्टरेट सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, जो तरीके हमने पीछे पढ़ रखे हैं, ठीक है. अभी डिटेल में यहाँ पे नहीं है क्योंकि ब्रीफ आउटलाइनिंग है, ठीक है. गिव्स प्योर कंपोनेंट एंड एक्सट्रैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय. अगर बाद में उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अल्ट्रा रेड एसे, इंफ्रा रेड, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे तरीके जो किसके लिए हैं कि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए, कि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये जनरल प्रोसेस होगी आइसोलेशन की, क्या क्या करना है. फिर हम लोग कोई क्या कर लेंगे, डिस्टिलेशन कर लेंगे, क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे. तो ये तो याद ही रख लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये दो टर्म जोड़ दो कहीं पे, जनरल यही किया जाता है, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल होता है. ऊपर की प्रोसेस जनरल है, पानी डालेंगे, एसीटोन या अल्कोहल डाल के निचोड़ के उसे बाहर निकालेंगे, ये ऊपर की प्रोसेस भी जनरल है. तो जनरल तरीका अगर दिमाग में सेट कर लोगे, एग्जैक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरल तरीका तो लिख के आ ही जाओगे, एटलीस्ट एग्जाम में पास हो जाओगे. क्लियर है बातें, आगे आते हैं. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. अब देखो मैंने क्या कहा, इसके अंदर जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड, यानी कि मेरे पास एक ग्लाइकोन वाला पार्ट, एक ग्लाइकोन पार्ट है और एक ए ग्लाइकोन पार्ट है. जो ए ग्लाइकोन वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से ग्लाइकोसाइड का नाम बदल जाएगा, कार्डियक हो जाएगा या एंथ्राकिनोन हो जाएगा, उसी के हिसाब से क्या रहेगा, यहां पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दे रखे हैं. तो यहां पर किस टाइप का ग्लाइकोसाइड है उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, और हर किसी के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे टेस्ट हैं, मैंने कुछ गिने चुने ही यहाँ पे लिखे हैं. हो सकता है तुम्हारे टीचर ने बहुत ज़्यादा तुम्हें लिखाए हों, 6-7 हैं इसके मेन. एक कम से कम ये तो देखो याद कौन कौन से करने हैं, एक तो ये तो याद करना ही करना है, फिर बॉर्न ट्रैगर याद करना ही करना है, हेमोलिसिस वाला बहुत सिंपल है, उसके बाद लीगल आ गया, बालडेट आ गया, ठीक है. ये दो तो पक्के से याद कर लेना है, ठीक है, एक एंथ्राकिनोन के लिए आ गया और एक कार्डियक उसके लिए ग्लाइकोसाइड के लिए आ गया. अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर जनरल ग्लाइकोसाइड के लिए आएगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों. जब जनरल ग्लाइकोसाइड की बात आएगी ना, बता रहा हूं क्या करना है. देखो तरीका समझो, ऊपर की दो लाइनें तो पुरानी है. टू द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट होगा ऑफ ड्रग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो एक्सट्रैक्ट है उसमें हम लोग क्या मानेंगे, पानी डालेंगे और 0.5 ml स्ट्रॉन्ग लीड एसिटेट सोल्यूशन वॉज एडेड, शेकन और फिल्टर, शेक करके फिल्टर कर लेंगे. फिल्ट्रेट वॉज एक्सट्रैक्टेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म. अब उस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोरोफॉर्म मिला लेंगे उतने ही वॉल्यूम. अब जो क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्ट निकल के बाहर आएगा उसको एवोपोरेट करेंगे, इतना एवोपोरेट कर देंगे सारा क्लोरोफॉर्म उड़ जाए और वो सूखा सूखा बच जाए. रेसिड्यू जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिजोल्व कर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में. तो मेन कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जो ये सूखा हुआ पाउडर मिल जाता है हमको, ये डिजोल्व करते हैं हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeCl3. तो ये मेन रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है. ऊपर वाली प्रोसेस तो छोड़ सकते हैं एक बार को, कि हम लोगों ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट को 3 ml ग्लेशियल एसिड में डाल करके बाद में उसमें कुछ ड्रॉप FeCl3 के डाल दिए. क्लियर है. अब क्या रहेगा, द रिजल्टेंट सोल्यूशन वॉज ट्रांसफर टू टेस्ट ट्यूब, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देंगे. क्या आ जाएगा, रेड इज ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड. खत्म कहानी, आगे मत लिखो. विच टर्न्स ब्लूइश ग्रीन आफ्टर स्टैंडिंग. अब ये रेडिश ब्राउन कलर आ गया है ना हमारे पास फॉर्म्ड, यहां पे लिख दोगे ये बताता है कि यहां ग्लाइकोसाइड मौजूद है. क्लियर है. या तुम अगर यहां तक लिख दे दो टर्न्स ब्लूइश ग्रीन, फिर लिख दो कि हां ग्लाइकोसाइड मौजूद है. अगर याद है कि हां ये टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए ही था तो लिख दो कि हां आफ्टर स्टैंडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसमें भी कौन सा ग्लाइकोसाइड है, ये डिजिटॉक्सोस नाम भी आ गया उसका, वरना लिख सकते हो दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड. बात समझ में आई मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि बताता हूं कि या तो जनरल लिख दो या अगर नाम याद है तो उसका नाम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो क्लियर क्लियानी टेस्ट है ये. नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉर्न ट्रेजर टेस्ट, एंथ्राकिनोन के लिए होता है. कह रहा है 1 ग्राम ले लो, 5 से 10 ml डायल्यूट एसिटिल डाल दो, उबाल दो पानी में, वाटर बाथ समझते हो ना, पानी का बर्तन, पानी खोल रहा है, उसके अंदर एक बर्तन है, उसके अंदर क्या है, HCl है, इसके अंदर मेरा कंपाउंड पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं वाटर बाथ.
10 मिनट के लिए, फिर छान लो उसे। फिल्ट्रेट वॉज एक्सट्रैक्टेड विथ CCl4/बेंजीन, उसको जो एक्सट्रैक्ट करेंगे बाद में उस छने हुए पार्ट को CCl4 और बेंजीन में डाल के उसे फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड एड इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, फिर उसमें अमोनिया एड करेंगे टू फिल्ट्रेट एंड शेक और फिर हिला देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को लाइन ऐसे याद करने में दिक्कत है तो इसको ऐसा लंबा लंबा एरो बना करके लिख लें। फॉर्मेशन ऑफ पिंक और रेड कलर इन अमोनियकल लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पिंक और रेड कलर इन अमोनियकल अमोनियकल लेयर शोज द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड जर्नल या अपियर, फॉर्मेशन ऑफ पिंक और रेड कलर अपियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन मॉइटी। किसी को एग्जैक्ट याद है तो एंथ्राक्विनोन लिख दो, वरना ये जो कलर आ गया है ये दर्शाता है कि यहां पर ग्लाइकोसाइड मौजूद है। क्लियर है, आगे आते हैं। हेमोलाइसिस टेस्ट, हेमोलाइसिस मतलब जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे ब्लड में जाता है ब्लड को फोड़ देता है, क्योंकि ब्लड के अंदर घुसता चला जाता है ये। फॉर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन स्लाइड वॉज मिक्सड विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वस सेपोनिन सोल्यूशन। थोड़ा सा ब्लड लेंगे स्लाइड के ऊपर, स्लाइड होती ना अपनी, इसमें ब्लड ले लिया, फिर साथ में क्या ले लेंगे, एक थोड़ा सा केमिकल डाल देंगे यहाँ पर सेपोनिन, तो क्या होगा, रप्चर हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल बिकम क्या होते हैं, रप्चर, फूट जाते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन सेल के अंदर घुसता है और वो सेल फूलता जाता है और एक बार में आके फट जाता है ना, क्या होता है इसको डिफ्यूजन कहते हैं हम लोग। लीगल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एक और टेस्ट है, लीगल टेस्ट है, फिर एक और टेस्ट है बालजेट टेस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, टू द अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, जो अल्कोहल के द्वारा निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लीड एसिटेट सोल्यूशन वॉज एडेड शेक्ड एंड फिल्टर्ड। पहला वाला पॉइंट आ गया ये, उस एक्सट्रैक्ट में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर और 0.5 ml लीड एसिटेट डाल देंगे। फिल्ट्रेट वॉज एक्सट्रैक्टेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये कहानी ऊपर वाली आ गई, एंड द क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट वॉज एवोपोरेट टू ड्राइनेस। यहां तक तो कहानी वही ऊपर वाली आ गई, वही दो लाइनें याद आ रही है, ये दो लाइनें, ठीक है ना, उसको सुखा लिया हमने, ये तो कॉमन हो गई। अब क्या करना है, तो एक तरह से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, छोड़ दो इसको, सीधा लिखो द रेसिड्यू, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है जो एक्सट्रैक्ट आ गया है, डिजोल्व करेंगे इन 2 ml ऑफ पायरिडीन एंड सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड में, ठीक है, एंड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू मेक अल्कलीन। NaOH डालेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, अल्कलीन हो जाए, बेसिक हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड और ए ग्लाइकोन मॉइटी, है ना, जो पिंक कलर आ जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्लाइकोसाइड को। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट थी। बालजेट टेस्ट, थिक सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ डिजिटेलिस, डिजिटेलिस की लीफ का एक मोटा सा पार्ट ले लेंगे, ठीक है, पार्ट ऑफ ड्रग कंटेनिंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड, उस पत्ते को लेंगे जिसके अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड मौजूद होगा। व्हेन डिप्ड इन सोडियम पिक्रेट, जब किसमें डाल देंगे इसको हम लोग, सोडियम पिक्रेट में, इट फॉर्म्स येलो टू ऑरेंज कलर, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा येलो टू ऑरेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोसाइड, ए ग्लाइकोन या ग्लाइकोसाइड की मौजूदगी में अगर होंगे तो येलो से ऑरेंज कलर दे देगा। तो यहां पर तुम लोग क्या करोगे, इसको मैं फिर बता रहा हूं, है ना, क्या लिखोगे यहां पर, लीफ ऑफ डिजिटेलिस, ठीक है, क्या करेंगे, सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा अपना, खत्म। फिर कह रहा हूँ लकीर का फकीर नहीं बनना, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको इस तरह से याद करना है, कहीं पे भी किसी भी टाइप की रिएक्शन हो इसी टाइप से याद करोगे, इजीली याद हो जाएगा। देन थेरोपेटिक एक्टिविटी, मैंने जैसे बताया 6-7-8-10 बीमारियां याद कर लो, ठीक है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, एक तो हार्ट के लिए तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, ठीक है ना, देन पेन किलर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ओके, एंटीबायोटिक है और एंटी माइक्रोबिक एक्शन है, ये तो डायरेक्ट इसके असर, ऐसे याद कर लो, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड ये काम करता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड ये काम करता है, अल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड ये काम करता है, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड ये काम करते हैं, थायोग्लाइकोसाइड ये काम करते हैं, बिटर सब्सटेंस जो इरिडॉइड्स हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के बाद क्या था हमारे पास, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, कार्डियोटोनिक मतलब
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जहाँ जहाँ पे कार्डिक ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल होता है। तो कॉस्मेटिक, परफ्यूम, इंक बनाने में, डायुरेटिक, एंटी रूमेटिक, एंटीबायोटिक और कार्डिक टॉनिक और भी लिख सकते हो बना करके, ये इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन और क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी थोड़ा बहुत मिलते जुलता रहेगा, लेकिन थेरेपेटिक में आ जाता है टोटल जो ह्यूमन बेनिफिशियल के लिए है। फार्मास्यूटिकल में हर एक चीज़, जैसे कि परफ्यूम है, ह्यूमन बेनिफिशियल परफ्यूम से कोई बेनिफिट है क्या? केवल खुशबू के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई वो नहीं है। कॉस्मेटिक और इंक का ह्यूमन हेल्थ में कोई रोल नहीं है, ह्यूमन हेल्थ में है ना, जस्ट हमारी दूसरे तरीके से हेल्प कर रहे हैं ये, लेकिन ह्यूमन हेल्थ में कोई रोल नहीं है। तो बस इसीलिए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन आता थोड़ा सा ब्रॉड, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के अंदर ही थेरेपेटिक एक्टिविटी भी कवर हो जाती है। क्लियर है बातें? तो ये था हमारे पास आज का चैप्टर, थोड़ा सा मैंने बताया ये चैप्टर आज का कैसा था, लर्निंग वाला था, टोटल पढ़ना पढ़ना है इसमें और लर्न बहुत ज़्यादा करना है। तो पढ़ के थोड़ा सा एक बार लिख के भी, जो खास खास टर्म्स है उसको लिख के भी देख लेंगे, और रिवाइज तो करना ही है, बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ऑल द बेस्ट।